ओम शांति। आपका प्रश्न है, सर्व संबंधी परम पिता परम आत्मा से पत्नी का संबंध कैसे निभाए? परमात्मा हम सारे संसार की आत्माओं के साथ इस संगम युग पर सर्व संबंध निभाते हैं। भक्ति में हम गाते थे, तुमेव माताश्च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्याश्च द्रविणम तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो, तुम समेरे तुम्हारे साथ सारे संबंध। परंतु वंडरफुल बात है कि भक्ति मार्ग में हम ये गाते आए, परंतु हम ये जानते नहीं थे कि वो हमारा सर्व संबंधी है तो कैसे है। आप परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि मैं तुम सब साथ सर्व संबंध कैसे निभाता हूं और कब निभाता। परमात्मा ने समझाया, बच्चे मैं आता हूं कल्प के अंत में, जब नया कल्प शुरू होने वाला है, जब नया कल्प शुरू होने वाला है, पिछला कल्प खत्म होने वाला है, उसे कहा जाता है संगम युग। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूं, और जब मैं परमपिता परमात्मा परम धाम से सारे संसार की आत्माओं को पावन बनने की विधि सिखाता हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं परकाया प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुम सबको पढ़ाता। ये ऊपर देख रहे हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा, उनके तन में ये परमपिता शिव परमात्मा, वो भी एक आत्मा है, प्रवेश करके हमें पढ़ाते। पढ़ाने के लिए हमारे साथ सर्व संबंध निभाने का नियम रखते हैं और समझाते कि बच्चे यही एक टाइम है जिस समय तुम मेरे साथ सारे संबंध निभा सकते हो, सारे संबंध निभा सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर नहीं है। शरीरधारी पति पति हो सकता है, पत्नी नहीं हो सकता, भाई हो सकता है, बहन नहीं हो सकता, मां हो सकता है तो बाप नहीं हो सकता, किसी और रिश्ते में नहीं जा सकता। पर तो मेरे पास देह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सारे संबंध निभा सकता हूं, तुम भी मेरे साथ सारे संबंध निभा सकते हो, परंतु तुम्हें भी अशरीरी होना पड़ेगा, जीते जी मरना पड़ेगा। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक मेरे साथ सर्व संबंध निभा नहीं सकते, परंतु ये मरना जीते जी करना है। ये नहीं कि अपने आप को उन्हें फांसी लगा दें या शरीर को नष्ट कर दें, कोई जरूरत नहीं है शरीर को नष्ट करने की, पर तो जीते जी मरना है। जीते जी मरना अर्थात स्वयं को आत्मा समझना। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो हमें देह का कोई भी आकर्षण नहीं रहेगा, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं यह भी भान नहीं रहेगा। ये मेरे ड्रेस है, ये मेरा स्त्री का ड्रेस है, ये मेरा पुरुष का ड्रेस है, परंतु मैं आत्मा हूं। अब परमात्मा के साथ हमने सारे संबंध निभाने हैं, सारे संबंध। अब आत्मा ने परमात्मा के साथ सारे संबंध निभाने हैं,
मां चाहिए, दुनिया वाली मां की आपको जरूरत महसूस हो रही है, परमात्मा कहते मेरे पास आओ, मेरे से अच्छी मां तुम्हें कहां मिलेगी, बोलो आप जो चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, जो सलाह, जो सजेशन, जो सुझाव चाहिए, वो आपको परमात्मा माता के रूप में देने के लिए तैयार है। आप बच्चा बन जाओ, मतलब कहना मानने वाले बन जाओ। आप जो पूछो उसके लिए, बाबा जो करने के लिए कहें वो करना है, वैसे करना है। आपको पत्नी चाहिए, आपको किस प्रकार की मदद चाहिए, क्योंकि आप तो देह हैं ही नहीं, देहधारी पत्नी याद आने का इसमें कोई सवाल ही नहीं। यदि देहधारी पत्नी याद आ रही है तो इसका मतलब आप अभी अपने को आत्मा नहीं समझे हैं, क्योंकि आत्मा समझा होता तो देहधारी पत्नी याद नहीं आती। ठीक है, तो आप पत्नी हैं, वो पति है, या उसको पत्नी बनाना है, तो पति तब होता है जब वो पत्नी का कहना माने। तो आपने पति का कहना मानना है, और यदि आप पत्नी हैं तो आपने आपको पत्नी का संबंध लेना है तो भी आपने पति का कहना मानना है। जो परमपिता परमात्मा कहें वो आपके पति हैं, वो आपको जो आदेश दे रहे हैं वो आपको करना है। आप नौकर बना लो, परंतु कहना आपने मालिक का ही, नौकर का ही मानना है। परमपिता परमात्मा बड़ी सीधी सिंपल सी लाइन बताते हैं जिससे सारे रिश्ते आप समझ सकते हैं, कि मेरे को चाहे तुम जो मर्जी बना लो, मां बनाओ, बहन बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, नौकर बनाओ, दास बनाओ, चाकर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, परंतु तुम वो बन जाओ जो तुम लेना चाहते हो, परंतु मेरे पास देने के लिए याद रखना सलाह है, और वो सलाह भी, वो डायरेक्शन भी तुमने मानना है। मैं तुम्हारा कोई डायरेक्शन नहीं मानूंगा, डायरेक्शन तुमने मानना है। कि जब हमने कहना परमपिता परम आत्मा का मानना है, हर संबंध से मानना है, तो सारे संबंध निभ जाएंगे। कोई संबंध में दिक्कत नहीं आ सकती। सिर्फ ये बात समझनी है, कहना मुझे मानना है, ओके? और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।